हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में सांभर मसाले की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इससे पहले बिरयानी मसाले की रेसिपी को मैंने शेयर किया था, उसको आप लोग ने बहुत पसंद किया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये सांभर मसाले की रेसिपी एकदम असली साउथ इंडियन सांभर मसाले की रेसिपी है। जब आप इस सांभर मसाले को बनाएंगे तो हमेशा बाजार से ना ला करके, हमेशा घर में ही बना करके इस सांभर मसाले को खाएँगे। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं साउथ इंडियन सांभर मसाले की एकदम ऑथेंटिक रेसिपी। सबसे पहले लो मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को चढ़ाएंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे 50 ग्राम साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, आधा टेबलस्पून मेथी दाना। और अब इन तीनों चीज़ को लगभग 5 से 10 सेकंड भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, वो भी लो मीडियम फ्लेम पर। 5 से 10 सेकंड रोस्ट करने के बाद में 1 टेबलस्पून राई का डालेंगे। राई को पहले नहीं डालना है, वरना राई जल जाएगी और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब फिर से इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना शुरू करेंगे। मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे, इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और अब इस मसाले को फैला देंगे ताकि ये साथ के साथ ठंडा होता रहे। और अब गैस की फ्लेम धीमा करके 1 टेबल स्पून उड़द दाल का डालेंगे, 1 टेबल स्पून चना दाल डालेंगे, 1 टेबल स्पून कच्चे चावल डालेंगे और ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए। साथ ही डाल देना है 2 टेबलस्पून सूखा नारियल। वजन से लें तो इसकी क्वांटिटी 25 ग्राम है, यानी जितना हमने धनिया लिया था उसका जस्ट हाफ नारियल का लेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को भी भून लेना है। कौन सी चीज़ कब भूननी है और कितनी मात्रा में लेनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपका भी मसाला एकदम ऑथेंटिक सांभर मसाला बन करके तैयार हो। चावल इस रेसिपी में ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये सांभर को टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, दूसरा सांभर को गाढ़ा करने में मदद करता है और तीसरा ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। तो जब मसाला में चावल जो है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगा तो मसाले की ऑलरेडी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और इसे महीनों तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकेंगे। और जब इस मसाले भी हल्के हल्के भून जाएंगे तब 10 से 12 पीस सूखी लाल मिर्च का डालेंगे। अगर आपके पास में कश्मीरी खड़ी लाल मिर्च हो तो इस समय आप वो भी डाल सकते हैं। मिर्ची डालने के बाद में केवल कुछ सेकंड ही इसे भूनना है क्योंकि इसका केवल मॉइस्चर निकालना है, मिर्चियों का कलर नहीं चेंज करना है। मिर्ची भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है और अब इसे भी उसी प्लेट में डाल देंगे। फिर से सेम कढ़ाई में आधा कटोरी करी पत्ता का लेंगे। मसाले का ऑथेंटिक टेस्ट और फ्लेवर के लिए करी पत्ता और नारियल का यूज़ ज़रूर करें। करी पत्ते को भी उतना ही रोस्ट करना है कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। और देखिए, उठा करके इस तरह क्रश करें तो ये टूटने लगे, यानी कि एकदम परफेक्ट ये रोस्ट हो चुकी है। करी पत्ते को भी सेम प्लेट में डाल देना है। इन मसालों को ओवर रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है ताकि इसका फ्लेवर बना रहे। लेकिन इसमें कुछ मसाले और डालेंगे जिसमें है 1 टेबल स्पून काली मिर्च का। काली मिर्च को रोस्ट नहीं करना है, बस ऐसे ही डाल देना है। साथ ही डाल देंगे आधा टी स्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून हींग का डालना है। हींग अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सांभर बनाते समय उसमें बढ़िया सा कलर आए, इसलिए इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची। अगर आपके पास में खड़ा सूखा कश्मीरी लाल मिर्च है तो जिस समय मैंने मिर्च डाला था उसी समय आप उसको भी डाल दीजिएगा। और अब बारी आती है नमक को डालने की। तो आपने देखा होगा कि बाजार वाले सांभर मसाला नमकीन होता है, यानी उसमें नमक ऐड होता है। इससे क्या होगा कि मसाले की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। इस सांभर मसाले को 6 महीने के लिए स्टोर करके इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्रिज में रख करके जब भी आप इस सांभर मसाला को इस्तेमाल करेंगे तो इसे 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं और इनको मिक्सी के जार में डाल करके पीस ले रहे हैं। और पीसने के बाद में मसाले का लुक देखिए, देखिए कितना परफेक्ट लुक आया है। एकदम बाजार में जैसा सांभर मसाला मिलता है सेम वैसे ही आया है इसका लुक और टेक्सचर। तो अब जब भी आपको सांभर मसाले का बनाने का मन करे बस थोड़ा सा निकालिए और इसको इस्तेमाल करिए। जब ये मसाला पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। तो ये मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक सांभर मसाले की रेसिपी को शेयर किया है। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल को। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।